हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड कोमल। तो आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी। वीडियो किस बारे में, मैं इस बारे में बाद में बताऊंगी। तो मैं पहले वो बताती थी, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी तो मुझे लगा शॉर्ट वीडियो तो मैं बना ही हूँ, क्यों ना मैं एक लॉन्ग वीडियो बना लूँ इसी बारे में। तो जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, ये मेरा बेटा आ गया, इसको भी देख लो भाई, थोड़ा बहुत इसको भी देख लो नन्ना गोलू। हाँ, तो जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी वो मैं अपनी मम्मी की शादी की। तो जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी वो मैं इस बारे में बना रही थी कि मैं अपनी मम्मी की शादी का लुक क्रिएट कर रही थी। उस टाइम पे तो मेकअप वगैरह होता नहीं था, तो मेरे लिए ये बहुत ईजी है क्योंकि मैं मेकअप में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो ये मैंने निकाली हुई मम्मी की शादी की एल्बम यहाँ पर, इसमें मैं देख रही उल्टी है, इसमें मैं देख रही थी कि यहाँ पर बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट से तो दिखेगा नहीं, मम्मी की शादी का लुक कैसा है। और ये है मम्मी की शादी की साड़ियाँ, तो दो साड़ियाँ, एक मम्मी की साइड की है। एक मम्मी की साइड की है यानी कि मम्मी की मायके की तरफ से है, और एक पापा की साइड से है। तो पहले मैं आपको लुक दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है मुझे, किस तरह से क्रिएट करना है। तो मैं थोड़ा सा एल्बम का हिंट देती हूँ या शायद एल्बम ही शेयर कर देती हूँ चलो आपके साथ। सो ये है मेरी मम्मी की शादी की एल्बम इस तरह से। ये देखो गोलू को खोलने की, जल्दी गोलू फाड़ मत इसको यार, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर उजाला आ रहा है, यहाँ पर देखो ये है मेरी मम्मी, इन्होंने फुल स्लीव का ब्लाउज़ पहना हुआ है जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास दोनों ही साड़ियों का ब्लाउज़ नहीं है, तो मैं उसे कवर करूँगी। ये पिछौड़ा है हमारे यहाँ पहना जाता है कुमाऊँ की तरफ में, तो ये वाला पिछौड़ा ना पहले चलता था, अब नहीं चलता है। ये इस तरह से बड़ी बड़ी सी बिंदियाँ सी होती थी इसमें रेड रेड कलर की, अब अलग टाइप का आता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, पर जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। क्योंकि ना एग्जैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट करने के लिए तो फिर बहुत से तैयारी करनी पड़ती है, उतने तो है नहीं। बस रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि जब मैं मम्मी का लहंगा रखती थी ना बक्से के अंदर, तब मुझे ध्यान आया कि चलो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा यहाँ पर, पहले इस टाइप के पोज बहुत बनते थे देखो। और इन्हीं में से कोई एक लुक मैं रिक्रिएट करूंगी, ये मेहंदी, उस टाइम पे आप देख सकते हो कोई भी मेकअप नहीं था, कोई भी नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रहते थे शादी के टाइम पर भी। और आजकल तो वैसे ही बहुत मेकअप कर लेते हैं, शादी के टाइम पर तो अलग से पार्लर की बुकिंग हो जाती है। तो ये इस तरह से है, ये है हमारी गांव का मंदिर जो पहले इस तरह से था, अब तो बहुत चेंज हो गया है। ये है नदी, पहले इस तरह से पार की जाती थी, पुल बन गया था बट चालू नहीं हुआ था, मुझे बताया गया था, मम्मी पापा बताते हैं कि पुल तो बन गया था बट चालू नहीं हुआ था, तो इस तरह से जाते थे। और ये देखो इस तरह से नदी पार की जा रही है दुल्हनिया ले जाने के लिए। ये जो हाथ धो रहे हैं ये मेरे दादाजी हैं, यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहा, ये मेरे दादाजी हैं। और अगर मैं पूरी एल्बम दिखाऊँ ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको मेन दिखाती हूँ। ये मेरे चाचा जी हैं बीच वाले, ये तो काफ़ी बात की, ये बीच में आ गई है, बीच बीच में ये मैं हूँ, ये मैं वेडिंग एल्बम दिखा रही हूँ,
मगर इसमें बाद की फ़ोटो में भी हैं इस एल्बम के अंदर ही। तो ये मैं हूँ, ये पापा हैं, मम्मी हैं, ये बाद की हैं फ़ोटो। तो चलो मैं पहले वाला दिखाती हूँ आपको फटाफट से। मेन मेन हाँ, मम्मी कहाँ गई, अभी तो आई नहीं है, अभी तो खाना वाना चल रहा है। तो ये देखो, ये है मेरी नानी, मेरी मम्मी, यहाँ पर मेरे पापा, मेरे चाचा जी। और पहले इस तरह से शादियाँ होती थी, पूरा घूंघट घूंघट डाल के। ये मेरी मम्मी, मेरी नानी, ये जब गहने चेंज करते हैं तब की फ़ोटो होगी। ये गहने चेंज किए जा रहे हैं, तो ये है मम्मी की शादी की एल्बम। ये दूल्हा दुल्हन मिठाई खिलाते हुए, यहाँ पर पापा खिला रहे हैं मम्मी को मिठाई, यहाँ पर मम्मी खिला रही हैं। पहले का मुकुट देखो कितना बड़ा बड़ा होता था, आजकल तो छोटे होने लग गए हैं, अलग से होते हैं अब। हालांकि गांव में अभी भी बड़े होते हैं मुकुट, बट यहाँ दिल्ली साइड में या बाकी जगह गाँव को छोड़कर छोटे मुकुट पहनाए जा रहे हैं आजकल। ये मम्मी अपनी फ्रेंड ग्रुप के साथ, हाँ ये मेरी मौसी हैं, ये वाली जो पिंक ड्रेस में है। तो यार बहुत बड़ी एल्बम है। अब ये मेरे ख्याल से आ गई हैं शायद घर की, हाँ ये डोली में ले जाया जा रहा है, मेरे ख्याल से घर की है ये, नहीं बारात जा रही है, सॉरी ये नानी की तरफ से जा रही है बारात। ये मेरी नानी के यहाँ अभी भी ऐसा ही है, ये वाला सीन। ठीक है, वापस से पुल पार किया जा रहा है, नदी पार की जा रही है। अब आ गए दुल्हन लेके मंदिर में, हाथ जोड़े जा रहे हैं। ये आ गई दुल्हनिया घर, और यहाँ पर एंड हो गई एल्बम। ये वाली मेरी चाची की फ़ोटो है जो शादी से पहले आई थी सेलेक्ट करने के लिए, लड़की पसंद करने के लिए भेजते हैं ना जो फ़ोटो, वो थी वो। और ये वाली फ़ोटो मेरी मम्मी की आई थी, मम्मी अपनी फ्रेंड के साथ है। तो यहाँ पर एल्बम हो गई शादी की ख़त्म, इसमें बाद में वैसी पिक्चर्स हैं अलग, शादी की नहीं है वो, ये बाद की पिक्चर्स हैं। ये वाली मम्मी की आई थी जब फ़ोटो भेजते हैं ना लड़के वालों को, एक ये वाली आई थी और एक ये वाली आई थी, दो आई थी। तो ये बात की पिक्चर्स हैं, ये मम्मी हैं, ये मैं हूँ, और ये मेरा भाई है, ये मम्मी की रिश्तेदारी मेरी बहन है, ये मेरे पापा हैं। पुल पर, तब पुल चालू हो गया था, ये शादी के बाद की है फोटो। देखो ये मेरा भाई, ये बद्रीनाथ की फ़ोटो है, ये मेरे चाचा जी की फ़ोटो है, और ये बड़ी दुर्लभ फ़ोटो है, ये मेरे नाना और नानी जी की फ़ोटो है।
ये मेरी मौसी, ये मेरी मम्मी, और साइड में जो छोटी सी फ़ोटो दिख रही है ना, ये मेरी फ़ोटो है जब मैं 16-17 साल की होंगी तब की। ये उस टाइम पे हमारा घर ऐसा था, मुझे याद नहीं है पर बताते हैं कि ऐसा था। जब मैं मतलब जब से मुझे याद है मैंने बना हुआ ही देखा है घर। ये मेरे नाना, ये मेरे नाना जी, ये मेरी नानी, ये मेरी मम्मी। तो ये मेरी मम्मी की फ़ोटो है और मैं अपनी दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी, ये मैं। तो यहाँ पर छोटी मम्मी यानी कि मम्मी की बचपन की फ़ोटो, और यहाँ पर उनकी बेटी की फ़ोटो बचपन की। और ये हम तीन भाई बहनों की फ़ोटो, हम तीन भाई बहन हैं। ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई, ये मेरे बड़ा वाला भाई यानी कि जो मुझसे मेरे बात का है, सबसे बड़ी हूँ मैं। तो ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो है, इसमें ना पैसे हैं और इसमें गाड़ी है। तो मैंने गाड़ी अपने भाई को दी थी और जो पैसे वाला डब्बा वो मेरे पास है। और ये तो बहुत ही छोटा था, बहुत ज़्यादा। ये मेरी बात की फ़ोटो है, ये है मेरी मम्मी और मैं। ये मेरे दादाजी के फ्रेंड हैं, तो ये भी बहुत अच्छा मानते थे हमें। और ये मेरी फिफ्थ बर्थडे की फ़ोटो है, तो मैं 5 साल की थी तब की फ़ोटो है ये मेरी। ये मेरे पापा, ये मैं, मेरी मम्मी, पीछे मेरा भाई हो सबसे छोटा वाला। ये मैं और मेरा भाई, देखो दोनों ने एक ही जैसी ड्रेस पहनी हुई है। ये भी मैं हूँ। और यहाँ पर भी मैं ही हूँ, तो ज़्यादातर पिक्चर्स मेरी ही मिलेंगी इसमें। फिर बहुत सारी फ़ोटो हैं, ये सब मेरी बर्थडे की फ़ोटो हैं। तब मेरा भाई बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा, कुछ महीने का ही होगा ये। ये ऑफिस की फ़ोटो हैं। और यहाँ पर हो जाती है एल्बम ख़त्म। तो ये शादी की हैं बीच में, और साइड में जो हैं ये बाद में फैमिली पिक्चर्स हैं। तो ये हो गई वेडिंग एल्बम ख़त्म। अब इसमें से देखते हैं कि हम कौन सा वाला लुक क्रिएट करते हैं और कितना वो सही जा पाता है। सो एल्बम तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ मम्मी की शादी की जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इस तरह से है, ये एक साड़ी है जो कि बनारसी साड़ी है, ये पापा की तरफ से थी। ये आप थोड़ा नीचे से फट गई है, गलना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ से ये गलना स्टार्ट हो गई है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एक साड़ी ये है, इसका ब्लाउज नहीं है तो इसे भी पहनूंगी मैं, लेकिन मम्मी ने अपनी शादी में ये वाली साड़ी पहनी थी। ये मम्मी की साइड से है यानी कि मम्मी की मायके की तरफ से, तो मम्मी ने अपनी शादी में ये वाली साड़ी पहनी थी, तो मैं ये वाली पहनूंगी। इसका भी ब्लाउज नहीं है तो ब्लाउज का ऐसे ही रहेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। मैं ढक लूँगी पल्ला लेकर। और एक हमारे यहाँ पिछौड़ा पहना जाता है, तो पहले तो अलग होते थे पिछौड़े, अलग अलग सी बिंदी, बड़ी बड़ी सी होती थी बिंदी, रेड सी, तो वो अब नहीं चलते हैं। तो जो है मेरे पास मैं अभी वही वाला पहनूंगी। तो ये भी एक बनारसी साड़ी है, ये मम्मी की साइड से है और ये पापा की साइड से है। मुझे ये वाली वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी अच्छी है, बट ये वाली गल चुकी है तो इस वाली को सेकेंडरी रखा जाएगा। और मम्मी ने अपनी शादी में यही पहनी थी तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हालांकि मैं फ़ोटोज़ दोनों में लूँगी, पहन लेते हैं, क्या पता कल क्या हो, तो दोनों में फ़ोटो खिंचा लेंगे। अच्छा लगता है अपनी मम्मी की शादी की साड़ियाँ पहनना, दोबारा से उस मोमेंट को जीना। तो चलिए मैं साड़ी पहनती हूँ ये वाली, उसमें भी टाइम जाएगा और उसके ऊपर एक शॉर्ट्स शेयर करूँगी, एक या दो तीन जितने भी बन जाएंगे उतने, ठीक है। और उसे ज़रूर देख लेना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं सूट कर रही थी लेकिन बाहर हो गया अंधेरा, तो मुझे फ़ोटो यहीं क्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ बाहर करी वो अच्छी नहीं आ रही है,
तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, बट वो अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो मैं कुछ फोटोज यहाँ पर क्लिक करूँगी, इसे हटा दूँगी तो शायद अच्छी आ जाए। तो ये मेरा लुक है। ये ब्लाउज़ मैंने अलग पहन रखा है, तो मैंने ये ढक रखा है, कवर कर रखा है, बट ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, बहुत चीज़ों का डिफरेंस है। देखिए, जैसे कि उस टाइम पे मम्मी ने जूड़ा बना रखा था या पता नहीं क्या कर रखा था, बाल तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये मैंने ऐसे ही टाई कर लिए। और ये पिछौड़ा अलग आता है और नथ वगैरह ये सब चीज़ें अलग हैं, तो बिल्कुल सेम तो नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंट है, पर जितना हो पाया उतना मैंने करा है। गोल कैसे फोटो खींचते हैं, फोटो कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। इसने मुझे फोटो नहीं खींचने दी और इसने मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने दी, कुछ भी नहीं करने दिया इसने। बीच बीच में आके मुझे बहुत परेशान किया है ना। तो ये एक साड़ी मैंने पहन ली और उसी वाली भी पहन लेती फटाफट से, उसमें भी एक आध दो फोटो खिंचा लेती हूँ। तो ये देखो इस्लाम लैक को, ये मैगी खा रहा है और ना मुझे फोटो खींचने दे रहा है, ना ये खा रहा है ना ही फोटो खींचने दे रहा है। मैं अब खा रहा है, मारो उसको, बोले फोटो खींचवाया देखो ऐसे खींचते फोटो, हाँ फोटो फोटो ऐसे खींचते, मुँह देखो कैसा कर रखा है, काला पीला सा कर रखा है। तो ये है दूसरी साड़ी मम्मी की, इसके साथ भी ब्लाउज नहीं है तो मैंने ऐसे ही ढक लिया, से कवर कर लिया है। एक आध दो फोटो इसमें खिंचाऊंगी और उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग स्टाइल किया है। और इसकी ना प्लेटें नहीं आ रही हैं ज्यादा, एक दो प्लेटें आ रही है, साड़ी थोड़ा सा छोटी है ये। तो बस इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।